लज़ानिया। तो फिर चलिए बनाने चले। वेजिटेबल ब्रेड लजानिया बनाने के लिए हमने पहले देखिए दो टमाटर हमने लिया है, इसको हम कट लगा देंगे क्योंकि इसकी स्किन उतर जाएंगे। हम इसको अभी बॉइल्ड करेंगे ना, तो इसकी स्किन आसानी से उतर जाएंगे। ऐसे कट लगा के ये देखिए, ये हाफ कप मैंने वाटर लिया है पैन में और इसमें मैं डाल रही हूँ। दो तीन मिनट में इसको बॉइल्ड करूँगी फिर निकाल दूँगी। ये देखिए वो टमाटर हमने जो बॉइल्ड किया था ना, इसको ग्राइंड करके हमने ऐसे ले लिया है। अभी इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, चाहिए ब्रेड स्लाइस, और इसकी चारों तरफ आप ऐसे कट कर लोगे। अब मैं ये छोटा ब्रेड ली हूँ, आप बड़ा ब्रेड भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 8-10 ब्रेड तो हमें चाहिए इसके लिए, और इसको हम ऐसे ही बेल के अच्छी तरह, रोलिंग पैन में बेल के अच्छी तरह हम इसे सारे ब्रेड को, 8-10 ब्रेड हमें चाहिए ऐसे हमें रख लेनी है। ये देखिए ठीक है, वेजिटेबल ब्रेड लज़ानिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले दो सॉस बनानी पड़ेगी। और पहले मैं बना रही हूँ वाइट सॉस, एक वाइट सॉस बनेगी एक रेड सॉस बनेगी। तो वाइट सॉस के लिए हमने यहाँ पर पैन गरम कर लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून के बराबर बटर। हमें गैस की जो फ्लेम है हमें सिम पे रखनी है। इसमें हमें डालनी है मैदे, 3 टेबलस्पून मैंने लिया है इसके लिए, और ना थोड़ा थोड़ा करके डाल के आप ऐसे रुकना नहीं है, इसको स्टेयर करते रहना ऐसे ही। फिर उसके बाद हमने लिया है, हमने लिया है मिल्क 1 कप, और उसके भी हम धीरे धीरे डाल के ना ऐसे चलाते रहेंगे, रुकना नहीं है हमें, चलाते रहना है और सिम पे ही रखना है फ्लेम को। ये देखिए हमारी व्हाइट सॉस हो गई है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून, आपकी मर्जी आप जितना डाल सकते हो, कोई कोई 1 कप भी डाल देते हैं इसमें, टेस्ट के अच्छा ये डालने से थोड़ा सा टेस्ट में भी फर्क आता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर डाली हूँ इसमें ओरेगानो, और इसमें आप ना बटर डाले हैं इसीलिए हमें ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालनी है, थोड़ी सी डालनी है। ये देखिए हमारा व्हाइट सॉस बन के ये तैयार हो गए हैं, अभी हम निकाल देते हैं इसे। अब व्हाइट सॉस हमारी बन गई है, अब हम बनाएंगे रेड सॉस। उसके लिए हमें चाहिए ऑयल, मैंने 3 टेबलस्पून लिया है, पैन में गर्म हो गई है, अभी मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक 2 टेबलस्पून। ये लहसुन हल्का सा रोस्ट हो जाए, हल्का सा हमें चाहिए, इसमें हम डालेंगे, हमने जो प्यूरी बनाई थी टमाटो की उसको हम डालेंगे इसके अंदर। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। इसमें ओरेगानो, ये भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आपको जितना पसंद है। चिली पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ, और चिली फ्लेक्स भी इसमें हम डालें। ये आपको मतलब जो तीखा नहीं खाते हैं, जिसको पसंद नहीं है, वो स्किप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें
अभी हम थोड़ी देर पकाएंगे। फ्लेम हमें लो करनी है। अब हम ना हाफ टी स्पून शुगर पाउडर में डाल रही हूँ। आप खाली शुगर भी ऐसे भी डाल सकते हैं, और ये आपको पसंद नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब ये टमाटर ज़्यादा खट्टा होता है ना, तो थोड़ा सा हमें ना उसको बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें थोड़ा सा शुगर भी देना पड़ता है। तो देखिए ये हो गई, ये थोड़ा हम इसमें अभी हल्का सा पानी डालेंगे, इतनी मतलब 3 टेबलस्पून के बराबर हम डालेंगे, और इसे थोड़ा सा धीमी आंच में हमें सिम पे रख के इसको थोड़ी देर ना हम ढक देंगे। ये देखिए ये अभी हो गया है सॉस हमारा, अभी इसे हम निकाल देते हैं। अब भेजीज, उसके लिए जो भेजीज चाहिए उसे हम थोड़ा सा अभी फ्राई करेंगे। ये देखिए भेजीज को फ्राई करने के लिए अच्छी तरह मैंने 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल लिया है उसी पैन में, और हमें थोड़ा सा ऑयल गर्म होने से इसके बाद हमने इसमें 2 टेबलस्पून गार्लिक डालना है, ग्रेटेड गार्लिक है। ये देखिए हमने इसमें फ्रोजन कर्न मैंने लिया था, इसको तो थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के मैंने निकाल लिया था, इसको अभी इसमें डाल रही हूँ। ये जो भी सब्जी है, जो भी वेजेस, जो भी थे, ये आपके अकॉर्डिंग में जितना आप खाओगे उतना आप लोगे। जैसे ये कर्न डाल दिया, ये मैंने देखिए एक ओनियन मैंने लिया है, और आधी मैंने शिमला मिर्च और आधी गाजर एक कैरेट ली हूँ, देखिए आधा काट के ली हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना लोगे। ये भी हाफ मैंने लिया है। टमाटर भी 1 टमाटर मैंने छोटे छोटे काट के ली हूँ। ये सारे को हम अभी अच्छी तरह अभी इसको कुक होने देंगे। ये देखिए इसमें मैं रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। चिली फ्लेक्स भी मैं थोड़ी सी टेस्ट के लिए थोड़ा डाल रही हूँ। इसमें हम अभी डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ओरेगानो 1/2 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरह हमें ना कुक होने के लिए देना है, ये थोड़ी कुक हो जाए फिर हम इसको निकालेंगे। ये देखिए हमने जो जो सामान हमें चाहिए जिसके सारा सेटिंग करने के लिए, जैसे ये हमने वेजी लिया है, और ये वाइट सॉस, ये रेड सॉस, और ये ब्रेड, ये हमने चीज़ लिया है। आपके पास जो भी चीज़ पड़ा होगा उसी से ही भी आप कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और हमने ये पॉट लिया है, देखिए सबके घर में ये होते होंगे, या चौरस में हो, स्क्वायर में हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे में भी राउंड में भी हो तो चलेगा। पहले हमने इसमें क्या करनी है, हमें पहले रेड सॉस डालनी है इसमें। पहले हमने रेड सॉस डाल दिया है, इसमें हम ब्रेड ऐसे लगा लेंगे। ये देखिए इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर मैं थोड़ा सा रेड सॉस ऐसे डाल रही हूँ, और एक एक लेयर करके हम डालेंगे सारे भेजी सॉस सारे अलग अलग। अभी इसके ऊपर हम व्हाइट सॉस डालेंगे, स्क्वायर में हो तो बड़ा अच्छा बनता है, मेरे पास स्क्वायर वाला नहीं है इसीलिए मैं ये राउंड में ली हूँ पॉट।
तो इसके ऊपर मैं कर रही हूँ। आपके पास स्क्वायर होंगे तो स्क्वायर में लीजिएगा। ये वाइट हमने दे दिया है, अब इसके ऊपर मैं डालूंगी हमारी जो भेजीज है। इसके ऊपर हम डालेंगे ये चीज़ मैंने रखा था, आप मोजरीला भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई सा भी चीज़ आपके प्रोसेस चीज़ जो भी है आपके पास वो दे सकते हैं। ये देखिए, फिर इसके ऊपर हम अभी डालेंगे चीज़ के ऊपर हम अभी थोड़ा सा ये रेड सॉस दे रहे हैं, फिर वाइट सॉस हम थोड़ा सा, फिर इसके ऊपर हमने ब्रेड देना है। ये देखिए ब्रेड हमने दे दिया है, अब थोड़ा थोड़ा करके ऊपर भी हमें थोड़ी सी ये भी देनी है। ये दे रही हूँ मैं वाइट सॉस थोड़ी सी, और ऊपर थोड़ी सी देने के लिए मैं रखी हूँ बचा के। और अब भेजीज देंगे, भेजीज सारा दे देंगे हम अभी। ये देखिए ये सारे हो गए हैं, अभी इसके सबसे ऊपर अभी मैं इसे चीज़ दे रही हूँ, इसको थोड़ा सा कट कट करके देंगे क्योंकि ये पिघल जाएगा जब, तो वो तो सेम हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा काट काट के हम देते हैं अभी, क्योंकि इसमें नहीं आएगा ना, ये सर्कल में है पॉट हमारा। ये देखिए हमारी वेजिटेबल ब्रेड लजानिया बनके ये देखिए तैयार हो गई। इसको मैं अभी बेक करूँगी, ये हम माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं लेकिन आज मैं कढ़ाई में देखिए पैन में कर रही हूँ, जैसे नमक डाल के हम बेक करते हैं ना उसी तरह करेंगे। ये देखिए कढ़ाई में ऐसे मैं रखी हूँ पैन के लेके, नमक मैंने, ये नमक ऐसे दिख रहा है क्योंकि मैंने बहुत बार यूज कर चुकी हूँ, और इसके अंदर हमने एक स्टैंड रखा है और इसको हम अभी इसके अंदर रखेंगे। फिर मैं इसे कवर दे रही हूँ, हमें सिम पे रखनी है। ये चीज़ जब तक पिघलता है हम उतनी देर तक रखनी है, और बाकी नहीं तो जलने जल जाएगा ना, तो आप देखोगे चीज़ पिघल गया है फिर निकाल देना आपने। ये देखिए हमारी वेजिटेबल ब्रेड लजानिया बनके तैयार हो गए हैं, और मैंने इसके ऊपर ना थोड़ी सी रेड चिली सॉस होती है ना उसको मैंने थोड़ी सी लगा दी थी। अभी मैं इसे कट करके आपको दिखाऊं, एक मिनट। ये देखिए इसको आप जैसे सर्व करोगे ना तो इसका पूरा ये पोर्शन
ये पोर्शन निकाल के आपको जिसको देना है आप दे सकते हो। ये देखिए प्लेट में मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए वेजिटेबल ब्रेड लज़ानिया बनके तैयार हो गए। ज़रूर इसको आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। फिर मिलते हैं नए एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।